योगी सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति का फैसला वापस ले लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को शिया वक्फ बोर्ड के पद को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और आज इस मामले में लगी तारीख से पहले योगी सरकार ने बुधवार को आधी रात को बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासक नियुक्ति का फैसला वापस ले लिया। सरकार ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को शिया वक्फ बोर्ड का प्रशासक नियुक्त कर बोर्ड की कमान सौंपी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद अब शिया वक्फ बोर्ड में भी चुनाव कराने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 20 अप्रैल को चुनाव कराया जा सकता है और जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है। तो 20 तारीख को इसको लेकर चुनाव भी कराए जा सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है और आज इस मामले में लगी तारीख से पहले योगी सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प इस वक्त जुड़ गए हैं। संकल्प, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और आज भी इसमें अहम सुनवाई भी होगी, लेकिन उससे पहले सरकार के इस कदम को किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया और सबसे बड़ी बात है कि जो इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही जब याचिका दायर की गई थी, इस पर सुनवाई हो रही थी, तो सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था कि किस तरीके से नियुक्ति की गई है और उस पर कुछ सवाल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, इसके पहले योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस नियुक्ति को जो है रद्द कर दिया है और पद से हटाया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले 20 अप्रैल के आसपास तारीख में ये चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश, पहले ही हाईकोर्ट ने इस बात को कह दिया था। और दूसरी ये बड़ी बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे नाम भी माने जा रहे थे कि जिनकी तरफ से विरोध हो रहा था। और दूसरी चीज कि लगातार जिस तरीके से ये पूरी याचिका असद की तरफ से दी गई थी हाईकोर्ट में और उस पर कई ऐसे अहम बिंदुओं पर सवाल किए गए थे जिसको लेकर के सरकार से जवाब हाईकोर्ट ने मांगा था इसके पहले भी, और अब ये माना जा रहा है कि आज इस पूरे मामले को लेकर के आज अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि अब दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे वक्फ बोर्ड में, तो आज इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है और माना जा रहा है कि 20 अप्रैल को चुनाव संभव है। बिल्कुल संकल्प, क्योंकि बीएल मीणा को हटाया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन आधिकारिक बयान इसको लेकर अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। देखिए, चूंकि देर रात का ये एक्शन बताया जा रहा है, इसलिए ये माना जा रहा है कि आज औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो सकती है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है। और दूसरी एक बात ये भी आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आज इस पूरे मामले में अहम सुनवाई है, तो ये भी देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है या हाईकोर्ट इसकी तरफ से क्या कुछ दलील पूछता है या कुछ सवाल इस तरीके को लेकर के किए जाते हैं, क्यों चूंकि एक बड़ा एक्शन सुनवाई के एक दिन पहले होना अपने आप में एक देखा माना रहा है कि कुछ बड़ा कारण होने की वजह से। लेकिन सबसे अहम चीज यही देखने वाली होगी आज पूरे दिन कि किस तरीके से हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर के याचिका पे सुनवाई होती है और क्या हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है, देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें रखी जाती है सरकार की तरफ से और किस तरीके का आदेश हाईकोर्ट देता है इसको लेकर।